कभी कभी हम लोग हमारा कंप्यूटर पर बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल भी कर लेते हैं। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा भी होता है जो कि हमारा काम पर नहीं आते हैं और वो हमारा कंप्यूटर रैम को कंज्यूम करता है और कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इसके लिए चलिए उस एप्स को आप लोग कैसे डिलीट करेंगे वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए आप लोग पहले स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कंट्रोल पैनल ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल पैनल ऑप्शन, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद ऐसा करके आप लोगों को ऑप्शन दिख जाएगा। ये ऑप्शन आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आप लोगों को दिख जाएगा प्रोग्राम ऑप्शन और उसके नीचे एक ऑप्शन और दिखेगा अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जब भी यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपका जो पीसी है या फिर लैपटॉप है वहाँ उस पीसी पर जो जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। और आप अगर चाहते हो इसको रिमूव करना यानी फिर अनइंस्टॉल करना तो उस पर आप लोगों को डबल क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मेरा ये पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर है, इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और उस पर उसके बाद यस कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा मेरे कंप्यूटर से। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके आप जो एप्लीकेशन यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर रखना चाहते हो उसको डिलीट करना चाहते हो उसके ऊपर डबल क्लिक करो और यस कर दो तो वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब एप्लीकेशन आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर और भी एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल है मेरा, कोई काम के नहीं है, पीडीएफ टू वर्ड डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, ये भी काम के नहीं है। इसको भी मैं डबल क्लिक करके यस कर दूंगा तो ये भी यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा यानी फिर रिमूव हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर आपका कोई काम पर नहीं आते हैं ऐसा करके आप उस सारे सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दीजिए ताकि आपका कंप्यूटर ठीक से काम करे और आपका कंप्यूटर कभी हैंग भी ना करे। तो उसके बाद इस विंडो को आप क्लोज़ कर दीजिए और अपना पीसी या लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को पहले मिलता रहे, क्योंकि हम ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं।